नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज मैं एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 14 है और इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि लगन कुंडली में कैसे निकालते हैं, ये मैनुअली कुंडली कैसे बनी है। हम नॉर्मली कुंडली को सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं जिसमें कि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग होती है, डेटा डालने के बाद हमें कुंडली बनी बनाई मिल जाती है। लेकिन कहीं मन में ये कसक सी जरूर रहती है कि ये कुंडली अगर हम हाथ से बनाते हैं जैसे पुराने जमाने में विद्वान लोग बनाया करते थे तो कितना अच्छा होता, तो उसके लिए एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तो मैं आपको कुंडली मैनुअली कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक नेटिव का जन्म डेट ली है 25 अक्टूबर 1989 की, उसका समय है बर्थ का 4:56 सुबह का, गाजियाबाद में उसका बर्थ हुआ है। गाजियाबाद का जो लॉन्गिट्यूड है वो 77° 28' है और इंडियन का जो स्टैंडर्ड टाइम हमारा होता है उसका लॉन्गिट्यूड 82° 30' ईस्ट है। ये लॉन्गिट्यूड क्या है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में पुराने वीडियो में बता भी चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर हल्का सा आपको दोहरा देता हूँ सो दैट क्या है उसमें कलेक्शन हो जाए कि ग्रीनविच टाइम, जब हमें संसार में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के टाइम बांटे गए तो सबसे पहले एक ग्रीनविच टाइम लिया गया जहाँ लाइन लंदन के अंदर आती है, उस ग्रीनविच टाइम से उसको रेफरेंस मान के उसको 0-0 मान के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ये देखा गया कितने टाइम का फर्क है। तो जो हमारा ग्रीनविच टाइम है यानी ग्रीनविच टाइम से हमने लिया तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अब क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग हमारा इंडिया जो है वो करीब ये समझिए कि 70° से 95° ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूड है, मतलब एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, काफी ये ऑथेंटिक फिगर नहीं है, इससे कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है। तो अब लेकिन इंडिया में कहीं तो कोई टाइम चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम टाइम लेते हैं तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस दूसरा टाइम दूसरा होगा, यहाँ पे टाइम लेते हैं यहाँ टाइम अलग होगा, इस जोन में टाइम लेते हैं तो यहाँ टाइम अलग होगा, इस जोन में टाइम अलग होगा, तो पूरे देश में तो टाइम डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा लोकेशन के हिसाब से। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है इंडिया का, जिसको कि हम एक सेंटर लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ये 82° 30' ईस्ट की लाइन होती है, इसको हम स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं जो कि इलाहाबाद के पास मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये जब 82° 30' ईस्ट का हमने टाइम मान लिया है तो दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर लगाने में सूर्य के चारों ओर कितना समय लेती है, वो तो 365 डेज हो गया। उसके अलावा जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाती है, तो अपने एक्सिस पे वो एक चक्कर लगाती है 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स। तो पृथ्वी को अगर हम एक गोल माने तो इसका मतलब ये होगा कि 360° पृथ्वी 24 आवर्स में घूम जाती है। और अगर इसको हम चेक करेंगे एक डिग्री कितने आवर्स में या एक डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी, तो इसकी वैल्यू आती है कि एक डिग्री पृथ्वी 4 मिनट्स में घूम जाती है। तो ये पृथ्वी की स्पीड है अपने एक्सिस में घूमने में एक डिग्री 4 मिनट में। तो अगर हम देखें ग्रीनविच टाइम जो लंदन है, लंदन से अपना देखें तो हमारा IST आता है 82° 30' इसको हम 82.5° मान लेते हैं। तो एक डिग्री का घूमने में लगता है 4 मिनट, इतने डिग्री घूमने में लगेगा 330 मिनट यानी 5.5 घंटे 530 आवर्स। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो टाइम है इंडिया का वो ग्रीनविच टाइम से लंदन के टाइम से 5.5 घंटे प्लस है। जैसे जैसे हम ईस्ट में जाएंगे टाइम प्लस होगा, जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे हम टाइम माइनस होगा। तो ये हमारा टाइम होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले और हम निकालते हैं इसके अंदर सिडरल टाइम कि क्या होगा। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये लॉन्गिट्यूड दोनों क्या है और इससे टाइम डायरेक्शन कैसे होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, ये एक बुक है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये किताब है टेबल ऑफ असेंडेंट्स के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, NC रवि जी की लिखी हुई किताब है ये वाली, इसको आप जरूर खरीद लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है किसी भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। टेबल ऑफ असेंडेंट्स के नाम से ये किताब आती है, इसको आप ले लीजिए और ये बुक से ही सारा आपका इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है सन 1900 से लेके कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट लगन को निकाल सकते हैं अलग अलग जन्म डेट के हिसाब से। तो ये भी एक एफएमएलएस यानी पंचांग की तरह है, लेकिन इसमें सन 1900 से इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, अलग अलग साल का पंचांग लेने की इसमें आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही है इसके अंदर लगन निकालने में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले
पेज नंबर टू पे टेबल नंबर वन है उसमें जाते हैं। तो पेज नंबर टू पे टेबल नंबर वन में जब हम जाते हैं तो वहां पर होता है साइड ड्रिल टाइम। सबसे पहले हमको निकालना होता है साइड ड्रिल टाइम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साइड ड्रिल टाइम होता क्या है। साइड ड्रिल टाइम मित्रों, इसमें आप इसको इस तरीके समझिए कि साइड ड्रिल टाइम ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे आप घूम रहे हैं, यहां पृथ्वी पे कोई आदमी इधर खड़ा हुआ है एक्स पोजिशन पे, और वो खड़ा होकर एक स्टार दिख रहा है, यहाँ पे सितारा है, उस सितारे को वो आदमी देख रहा है दूरबीन के थ्रू। तो जब पृथ्वी अब घूम रही है, पृथ्वी घूमते 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 जब वापस ऐसी पोजीशन पर आती है कि वो सितारा फिर आपको वहीं दिखाई पड़ता है, तो ये जो पूरा टाइम होता है ये कहलाता है सिडरल टाइम। और सिडरल टाइम करीब ये 24 घंटे के आसपास ही होता है, 24 घंटे से थोड़ा सा कम होता है। तो ये सिडरल टाइम कहलाता है, जो कि किसी स्टार के रेफरेंस में लेते हैं कि पृथ्वी ने घूमना शुरू किया, किसी स्टार को किसी आदमी ने देखा, और जब दोबारा से 24 घंटे बाद, ये 24 घंटे से कुछ कम समय पहले जब दोबारा से उसने उस स्टार को उसी पोजीशन पर देखा, तो मालूम चला कि पृथ्वी ने अपना पूरा एक चक्कर लगा लिया है। तो किसी सितारे के सापेक्ष में, किसी स्टार के रिलेशन में, उसमें कोई जब रेफरेंस में आप टाइम लेते हैं तो वो सैटेलाइट टाइम कहलाता है। तो चूंकि ज्योतिष सितारों की भाषा है तो जरूरी है कि सैटेलाइट टाइम इसके अंदर लिया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि पेज नंबर वन पे टेबल नंबर वन में हम जाते हैं। ये टेबल वन में आपके पास में लिख रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको सही रहेगी। टेबल वन में जब जाएंगे तो वहां हमको देखना पड़ेगा कि 25 अक्टूबर 1900 को, क्योंकि 1900 से टेबल स्टार्ट हुई है, 1900 को डिफरेंट डिफरेंट डेट्स की टेबल दे रखी है। इस टेबल में दिया हुआ है कि डिफरेंट डेट्स हैं और सन 1900 का टाइम दिया हुआ है। तो 25 अक्टूबर 1900 को दिन के 12 बजे सिडरल टाइम क्या था, तो यहां से हम लोग उसका सिडरल टाइम निकाल लेते हैं। सिडरल टाइम यहां तक देखेंगे टेबल में तो वो हमारे पास आता है 25 अक्टूबर 1989 को 14 hours 12 minutes 45 seconds, ये हमारा टाइम आता है सिडरल टाइम 12 बजे दिन के 25 अक्टूबर 1900 को। लेकिन हमारा मकसद तो 1989 से है, 1999 से है, क्योंकि बर्थ बच्चे का 25 अक्टूबर 1999 का है। तो 1999 के लिए एक टेबल टू है इसके अंदर ही, पेज नंबर फोर पे, वहां आप जाइए टेबल टू में तो 1989 का करेक्शन इसके अंदर मिल जाएगा। ये टेबल टू हमने निकाल लिया, ये टेबल टू है। तो इसमें 1999 के लिए कितना करेक्शन करना पड़ेगा इस टाइम में, वो उसमें लिखा हुआ है कि 1999 के लिए प्लस 1 minute 46 seconds, यानी आपको इसमें 1 minute और 46 seconds आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो आपका ये टाइम जो आएगा, ये आपका टाइम आ गया से 91 seconds 13 minutes 14 hours, और आप बोल सकते हैं कि 14 hours 14 minutes और 31 seconds, हमने यहाँ का एक मिनट इधर ले लिया, तो 31 seconds, यानी ये टाइम हमारा आया, ये टाइम हमारा है 25 अक्टूबर 1989 को दिन के 12 बजे सिडरल टाइम, ये टाइम निकला हमारा। अब इसमें एक और चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, वहां खड़ा हुआ आदमी किसी सितारे के रेफरेंस में उसको देख रहा है, जब सितारा लौट कर आता है तो वो कहते हैं कि एक सिडरल डे हो गया या पूरा सैटरडे टाइम हो गया, जो कि 24 आवर से कुछ कम होता है। लेकिन वो सितारे को भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर खड़े हुए आप देखेंगे, मतलब वही सितारा अगर आप दूरबीन लेके इलाहाबाद में खड़े होते हैं और वही दूसरी जगह पे हम गाजियाबाद में खड़े होते हैं दूरबीन लेके, तो उस सितारे को दोबारा से पृथ्वी के उस सितारे पर लौटने में कुछ सेकेंड्स का डिफरेंस हो जाता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है वो, 1 second 2 second 3 second 4 second का, लेकिन लोकेलिटी के हिसाब से डिफरेंस हो जाता है। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि जिस लोकेशन पर खड़े होकर आप देख रहे हैं उस लोकेशन का आपका लॉन्गिट्यूड क्या है। अब जैसे IST का मैंने आपको बताया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लॉन्गिट्यूड है 82 degree 30 minute east, गाजियाबाद का लॉन्गिट्यूड 77 degree 28 minute east। तो अगर आप 82 डिग्री 30 मिनट से 77 डिग्री 28 मिनट घटाएंगे तो ये आपको करीब करीब मिलेगा 5 degree 2 minutes, यानी इतना फर्क है IST से हमारा। तो अब हम तो चूंकि गाजियाबाद में खड़े हुए हैं तो सिडरल टाइम हमको गाजियाबाद में निकालना है। तो गाजियाबाद में निकालने के लिए अब वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जैसे हमने पहले आपको बताया पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में चक्कर लगाती है पूरा, तो अगर हम इसको पूरा गोल माने
इसका मतलब यह है कि 360 डिग्री एंगल जो कवर करती है पृथ्वी वो 24 घंटे में करती है, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे एक डिग्री जो कवर करती है वो 4 मिनट में कवर करती है, यानी पृथ्वी की जो स्पीड है घूमने की वो है 4 मिनट पर डिग्री, एक डिग्री घूम जाती है 4 मिनट के अंदर। तो अब इसमें जो हम देख रहे हैं कि आपका जो डिफरेंस है गाजियाबाद के लॉन्गिट्यूड में, गाजियाबाद का लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 28 मिनट ईस्ट और ये इंडियन सन टाइम का है, तो डिफरेंस आता है 5 डिग्री 2 मिनट का। तो 5 डिग्री 2 मिनट का जो डिफरेंस है इसके लिए क्या होता है कि यहां पर एक फ्रैक्शन है 0.66 सेकंड पर डिग्री, यानी ये आपका आ गया 0.66 इंटू 5.2 जो हमने वहां लिखा हुआ है, इसको सेफली हम 3 सेकंड्स ले सकते हैं। तो 3 सेकंड्स, इसका मतलब ये है कि इलाहाबाद में उस सितारे को देखते हैं उसी रेफरेंस से, तो उस रेफरेंस से गाजियाबाद में जो दिखाई पड़ेगा तारा वो 3 सेकंड बाद दिखाई पड़ेगा, इतना फर्क उसके अंदर आ जाता है। तो हम लोगों को ये लॉन्गिट्यूड का फ्रैक्शन भी जोड़ना होता है इसके अंदर, तो यहां पर हम प्लस 3 सेकंड और जोड़ देंगे तो ये फिगर हमारी आती है 14 आवर 14 मिनट्स 34 सेकंड्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम हमारा हुआ, मैं इसको रख कर देता हूं, आपने शायद नोट कर लिया होगा, ये टाइम जो हमारा हुआ ये हमारा हुआ साइडरियल टाइम, साइडरियल टाइम, साइडरियल टाइम को मैं एस टी लिख देता हूं, साइडरियल टाइम दिन के 12 बजे 12 नून पे, किस दिन 25 अक्टूबर 1989 के दिन, 1989 के दिन, कहां पे गाजियाबाद, क्योंकि हमने लोकेलिटी एक्शन अभी लिया है 0.66 सेकंड पर डिग्री, तो ये टाइम हमारा इसमें आ गया जिसकी वैल्यू है 14 आवर 14 मिनट्स 34 सेकंड। तो ये पूरा यहां तक पहुंच गया है, इसको हम कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, ताकि आपको आसानी रहेगी, हम लोगों ने ये स्टेप हमारा वन कंप्लीट हो गया, इसको हम ए मान लेते हैं। दूसरा स्टेप हमारा होता है बी, बी निकालने का, बी इसमें एक बी पैरामीटर और है, तो इसे स्टेप वन, दूसरा स्टेप टू करते हैं इसमें, स्टेप टू के लिए हमको बी निकालना है। बी कैसे निकालेंगे, अब इसमें सिंपल सा फंडा ये देखिए कि जो आपका टाइमिंग ऑफ बर्थ है वो कितना है 4:56 AM, इसको हम ले सकते हैं 4 आवर 56 मिनट, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये हमारा टाइम ऑफ बर्थ है। ये टाइम ऑफ बर्थ दोपहर से, दोपहर के 12 बजे से इस टाइम ऑफ बर्थ में कितना डिफरेंस है वो निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि 4 आवर 56 मिनट जो हमारा टाइम आ रहा है वो टाइम हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो पूरे देश में टाइम माना जाता है, लेकिन गाजियाबाद में तो टाइम डिफरेंस होगा, इलाहाबाद से गाजियाबाद के अंदर टाइम थोड़ा कम होगा क्योंकि इलाहाबाद से गाजियाबाद आते हुए आप वेस्ट में आ जाते हैं, और वो टाइम कितना कम होगा, जैसे मैंने बताया कि आईएसटी में और गाजियाबाद के लॉन्गिट्यूड में 5 डिग्री 2 मिनट का डिफरेंस है, तो 1 डिग्री इक्वल होता है 4 मिनट के, जो टाइम निकाला था पृथ्वी घूमने का हमने, तो 5 डिग्री 2 मिनट हो गया हमारा 20 मिनट 8 सेकंड, यानी गाजियाबाद में 20 मिनट 8 सेकंड कम हो गए टाइम। यहां हम इसको उससे से लिख लेते हैं 20 मिनट 8 सेकंड, ये माइनस कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये जो फिगर हमारी आएगी ये टाइम हमारा, इसका मतलब ये टाइम हमारा हो जाता है लोकल मीन टाइम एट गाजियाबाद, लोकल मीन टाइम एट गाजियाबाद, इसको हम माइनस कर लेते हैं दोस्तों, यहां इसको 0:0 मान लेते हैं, तो ये 52 सेकंड्स हो गया, या 35 मिनट्स हो गया और 4 आवर, ये वैल्यू हमारी आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गाजियाबाद में आईएसटी तो हमारा 4:56 मिनट था जो हमने टाइम नोट किया है बच्चे के पैदा होने का, लेकिन एक्चुअल में जो गाजियाबाद में टाइम था उस वक्त वो 4:35 मिनट 52 सेकंड था। तो ये टाइम हमारा लोकल मिन टाइम आता है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारी कहलाती है बी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको शायद नहीं रही होगी, इसके बारे में थोड़ा सा आपको फिर बताएगा आगे। इस 4:35 मिनट का जो हमारा लोकल मिन टाइम हमारा आया, तो अब हमें निकालना है कि बी कितना आता है, जो पैरामीटर सेकंड स्टेप हमारा है बी का, उसमें क्या है वो निकालते हैं कि दिन के 12 बजे से, दिन के 12 बजे 12 को नून से अगर समय पहले जन्म पहले हुआ है
तो कितना डिफरेंस है, तो 4 hours 35 minutes 52 seconds, ये हमें 12-22 दिन में से घटाना है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो जन्म का लोकल मेन टाइम आ रहा है, जन्म समय जो आ रहा है, जन्म समय में और दोपहर के 12 बजे के बीच में टोटल कितना डिफरेंस है, तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 7 hours 24 minutes 8 seconds। इतनी फिगर ये हमारी आ जाती है, इसको जब माइनस करेंगे आप तो इतना फिगर हमारा ये आ जाएगा, ये फिगर हमारी कहलाएगी बी। तो 7 hours 24 minutes 8 seconds का टाइम जो हमारा आया, ये बेसिकली डिफरेंस है दोपहर के 12 बजे से और बच्चे का जो जन्म हुआ है उसके बीच के समय का, तो वो डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये हमारा स्टेप जो आ गया, ये हमारा बी आ गया, और हमारे पास दो वैल्यू है, एक ए भी है और एक बी भी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट करेक्शन रहता है कि हम इसमें a माइनस बी निकालेंगे, कितना फर्क आ गया दोनों में। तो a माइनस बी हम निकाल लेते हैं, a माइनस बी के लिए हमको इस वाले फिगर में से ये वाली फिगर माइनस करनी होगी। तो ये क्या हुआ, 34 सेकंड में से 8 सेकंड गया हमारा बच्चा, ये हमारा अवस्था है 26 सेकंड्स, ये 14 में से 24 मिनट नहीं जाएगा, एक मिनट कर लेना पड़ेगा, तो ये 74 मिनट हो गया, 74 में से 24 गया 50 मिनट्स, और ये आपका हमारा आ गया 13 6 hours। तो a माइनस बी का हमारा डिफरेंस आता है, वो आता है 6 hours 50 minutes 26 seconds, ये फिगर हमारी a माइनस बी आती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा रहता है कि हम लगन निकालते हैं कि लगन क्या होगा। ये फिगर हमारे पास आ चुकी है, इसी फिगर का एग्जाम करना है, इस फिगर को लेके फिर हम लोगों को जाना है पेज नंबर 48 पर, जहां की पेज नंबर 48 में जहां आपको मिलेगा कि लगन क्या होना चाहिए इस फिगर के ऊपर। तो 48 पे हम लोग पहुंच जाते हैं, 48 में जब हम यहां पहुंचे तो देखते हैं कि 48 में जो टेबल बनी हुई है उसके ऊपर 0 hours 3 hours 6 hours से लिखा हुआ है और साइड में हम मिनट लिखी हुई है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम लेते हैं 6 hours 50 minutes वाला फिगर हम ले लेते हैं, तो यहां 6 hours आ गया और इधर करीब 50 मिनट्स आ जाता है, तो ये फिगर लिखे गया यहां पे लिखा हुआ था इसका आंसर, वो आंसर है 5 sin pass 17 degree 34 minutes, ये लिखा हुआ है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल के अंदर। हम टेबल में जाएंगे 6 hours पे, फिर जाएंगे 50 मिनट्स पे, 40 सेकंड्स पे, तो हम देखते हैं कि इस टेबल में इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है। ये क्या मतलब है इसका, 5 sin, एस का मतलब है साइन, टोटल हमारे 12 साइन होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 5 sin हमारे पास्ट 5 sin खत्म हो चुके हैं, छठा साइन चल रहा है, तो मीन्स कि 6th नंबर जो राशि है, 6th नंबर साइन है, वो आपका लगन हो गया, वो क्या हुआ आपका कन्या। तो इसका मतलब यह होगा कि इसके लिए जो कुंडली आपकी बनेगी इस वाले इसके अंदर, उस कुंडली में आपका कन्या लग्न आपका आ जाएगा। तो ये 6 नंबर आपका लग्न हो गया, लग्न आपके शुरू में 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, तो ये कुंडली आपकी बन गई और इस कुंडली में 6 नंबर से स्टार्ट कुंडली हुई है, यहां आपका लग्न आ गया है, लग्न लिख देते हैं यहां पे, ये लग्न है। अब इसमें आते हैं ग्रह बैठान, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, कि पंचांग के थ्रू इसमें आप ग्रहों को कैसे कैसे बैठाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है लगन निकालना। अगर आप लगन निकालना सीखे तो समझिए कुंडली का 90% भाग आपने सीख लिया, बाकी तो सिंपली एक इंफॉर्मेशन है कि आप पंचांग में देखिए और ग्रह इसके अंदर बैठा दीजिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों में। सबसे बड़ी चीज होती है कि कुंडली का लगन क्या होगा, वो सारा हम इससे निकालते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये लगन निकालने का पूरा पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट से जरूर पूछ सकते हैं या मुझे फोन कर सकते हैं, कोई भी इसमें फंडा क्लियर आपको ना हो रहा हो, क्योंकि एक बार आपको ये फंडा क्लियर हो गया तो समझिए कि कुंडली आपने 90% मेंबर बनानी सीख ली। तो कोई भी चीज हो दिखेगा, और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता रहे कि मैं नई वीडियो बनाता रहूं आपका इसी चीज से। कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।